10%, 10% ऑन 150 मिलियन डॉलर टू स्वैप बैंक हु विल पास इट ऑन टू द अमेरिकन कंपनी सो इट कैन पे इट्स यूएस बॉन्ड होल्डर्स। तो अब ब्रिटिश कंपनी ने क्या विद इट्स यूएस असेट विल पे, ब्रिटिश कंपनी क्या कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 10%, ठीक है, ऑन 150 US डॉलर, 150 मिलियन US डॉलर। द अमेरिकन कंपनी विल इट्स ब्रिटिश असेट will pay 7.5% interest on 100 million pound to the swap bank who will pass it on British companies so it can pay its British bondholders। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, जो ब्रिटिश कंपनी है वो पे करेगी इंटरेस्ट कितना, 10%, पहले उसका 7.5 था लेकिन अभी क्या 10%, 150 मिलियन यूएस डॉलर पर, किसको, टू टू द स्वैप बैंक हु विल पास इट टू द अमेरिकन कंपनी सो इट कैन पे इट्स यूएस बॉन्ड होल्डर्स। अभी उन लोग ने क्या किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसका स्वैप किया, तो अभी एक दूसरे का इंटरेस्ट भी उनको पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ब्रिटिश कंपनी को 10% पे करना पड़ेगा और जो अमेरिकन कंपनी है उनको 7.5% ऑन द 100 मिलियन पाउंड इस पर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर है, एक दूसरे के जो ऑब्लिगेशंस है वो भी आपको स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीमेंट 3, एट मैच्योरिटी ब्रिटिश कंपनी विल पे 150 मिलियन यूएस डॉलर टू स्वैप बैंक हु विल पास इट ऑन द अमेरिकन कंपनी सो दैट सो इट कैन पे इट्स यूएस बॉन्ड होल्डर्स। At maturity, American company will pay 100 million pound to swap bank who will pass it on to the British company so it can pay its British bondholders. अभी जब ड्यूरेशन खत्म होगा, ठीक है, तो ब्रिटिश जो कंपनी होगी उसको अपने बॉन्ड होल्डर्स को पे करना होगा। ठीक है, ब्रिटिश जो कंपनी होगी उसको अपने बॉन्ड होल्डर्स को पे करना होगा और जो अमेरिकन कंपनी है उसको अपने बॉन्ड होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो ब्रिटिश कंपनी है वो 150 मिलियन यूएस डॉलर आपके अमेरिकन कंपनी को देगी और जो अमेरिकन कंपनी है वो 100 मिलियन पाउंड ब्रिटिश कंपनी को देगी क्योंकि उनको अपने शेयर होल्डर्स जो सॉरी बॉन्ड होल्डर्स है उनको रीपेमेंट करना है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से ये एग्रीमेंट होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, इसमें क्या हुआ, दो कंपनी अलग अलग कंपनी थी, ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनी। ब्रिटिश कंपनी जो बॉन्ड जो भी इशू कर रहे थे उनको यूएस डॉलर में फंड आ रहा था, अमेरिकन कंपनी सॉरी ब्रिटिश कंपनी जो बॉन्ड इशू कर रहे थे उनको पाउंड में फंड आ रहा था, अमेरिकन कंपनी जो फंड इशू कर रहे थे उनके पास यूएस डॉलर में फंड आ रहा था, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी। अमेरिकन कंपनी को पाउंड चाहिए थे और ब्रिटिश कंपनी को डॉलर चाहिए था, दोनों ने स्वैप किया। स्वैप करने से क्या हुआ, जो अमेरिकन कंपनी के पास यूएस डॉलर आए वो चले गए ब्रिटिश कंपनी के पास, ब्रिटिश कंपनी के पास पाउंड आए वो चले गए अमेरिकन कंपनी के पास। इसी तरह एक जो इंटरेस्ट था वो ब्रिटिश कंपनी को जो पे करना था वो अमेरिकन कंपनी पे करेगी, क्यों, क्योंकि भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी आपने लिया है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो है अमेरिकन कंपनी को ब्रिटिश कंपनी का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या हुई, जब भी आपका जो बॉन्ड मेच्योर हो रहा है उस समय अपने अपने बॉन्ड होल्डर्स को आपको रीपेमेंट करना है, तो वापस आप क्या करोगे, जो भी आपने एक दूसरे से करेंसी में पैसे लिए हुए हैं वो